अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट इन्वायरमेंटल थेरीवायर्मेंटल नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनीम इज़ इन्वायरमेंट पॉसिबिलिज्म विच इज़ ऑपोजिट ऑफ इन्वायमेंट डिटर्मिनिज़म यानी अब जो हम नज़रिया जबरीत हम पढ़ चुके हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट है नज़रिया इमकानियत यानी नज़रिया जबरियत का ओपोजिट ही होगा पॉसिबलिज़म उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे तो पॉसिबलिज़म के बारे में सबसे पहले एक छोटा सा व्यू के व्हाट इज़ पॉसिबलिज़म पॉसिबलिज़म में क्या कहा जाता है कि ठीक है कि इन्वायरमेंट हमें हर तरह की जो है हमें मोड करता है मोल्ड करता है और हम उसके मुताबिक अमल करते हैं बट फ़िज़िकल इन्वायारमेंट प्रोवाइड द अपॉर्चुनटीज़ फॉर अरेंज ऑफ पॉसिबल ह्यूमन रिस्पॉन्स यानी फ़िज़िकल इन्वामेंट या कुदरती माहौल हमें मौाक़े देता है कि हम अपने माहौल को अपने मुताबिक ढाल लें एंड पीपल हैव कंसिडरेबल इंट्रैक्शन टू चूज़ बिटवीन दैम और लोगों के पास थोड़ी सी च्इस आ जाती है कि वो अपनी चॉइस या मर्जी के मुताबिक अपने कामों को उसके मुताबिक ढाल सकते हैं तो पॉसिबिलिज्म जो है वो रिमूव द एब्सलूटिस्ट कॉज अप्रोच फाउंड द डिटरमिनिज्म एंड मेंटेन ह्यूमन एजेंसी यानी नजरिया जबरीत जो हमने पढ़ा था उसमें तो यही कहा जाता है कि जो माहौल हमें देगा हमने वही करना है लेकिन पॉसिबलिज़म में हमें यह कहता है कि इंसान के अंदर ख़ुद कुछ पावर्स हैं और वो खुद बहुत कुछ कर सकता है इस बात की बेस पर ह्यूमन एजेंसी को प्रमोट करता हुआ हमें नज़र आता है यानी पॉसिबिलिज्म हमें यह बताता है कि इंसान अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है अब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज बोथ पार्ट ऑफ द फिजिकल एंड सोशल इन्वामेंट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स यानी अगर आप देखते हैं कि एक दरिया है उसको क्रॉस करके आपने जाना है और क्रॉस करके आपने कुछ रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाना है सो यू विल मेक अ ब्रिज सो द ब्रिज इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉसिबिलिज्म यानी इंसान ने अपनी सहूलत के लिए एक पुल बना लिया ताकि वो अपने जो रिसोर्स हैं उनसे फ़ायदा उठा सके तो इसको हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं उसने ब्रिज बनाया और वह दूसरे किनारे गया और वहाँ पर जाकर उसने अपनी सो चीज़ों से फ़ायदा उठाया इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबलिज़म एट द मोमेंट सीम्स टू होल्ड अपार्ट मोर मोर प्रोमिसंग दैन डिटर्मिनीज़म यानी रॉय एक आर्टिकल लिखने वाले हैं उनके उन्होंने कहा कि 1982 में उन्होंने इसके बारे में लिखा कि पॉसिबलिज़म सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डिटर्मन नहीं करता बल्कि बहुत सारी और बातों को लेके हम अगर चलेंगे तो ये डिटर्मिनी डिटर्मिनिज़म का जो नज़रिया है उसके ऊपर हमें ये हावी नज़र आता है पॉसिबलिज़म हमें क्या कहता है कि ह्यूमंस आर नॉट कंट्रोल बाय देयर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स दे आर एजेंट ऑफ फ्री विल उसने कहा कि इंसान ने आज तक इतनी तरक्की की है कि वो सिर्फ माहौल ही उसको कंट्रोल नहीं कर सकता बल्कि वो टेक्नोलॉजीज़ की मदद से मदद से और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसने रोड्स बिल्डिंग्स और घर बनाए हैं उनकी मदद से वो इन तमाम माहौल को कंट्रोल भी कर सकता है तो इफ़ ह्यूमेंस आर ऑलवेज एजेंट ऑफ फ्री डोज दैट मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोडिक्ट एनी टाइप ऑफ बिहेवियर और सोशल सोशल्टिक आउटकम्स ऑफ अ गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि अगर हम ये कह दें कि सारा कुछ माहौल ही कंट्रोल करता है और इंसान कुछ भी नहीं कर सकता तो हाउ वी कैन काउंट द बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड सोशलिस्ट आउटकम्स यानी हम सोसाइटी को कैसे डिस्कस करेंगे और हम उस सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिस्कस करेंगे अगर माहौल ही सारा कुछ करता है तो पूरी दुनिया में एक ही सोसाइटी होनी चाहिए पूरी दुनिया में एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि माहौल के, के ताबे हो और माहौल उसे कंट्रोल कर रहा हो तो इफ़ वी कैन नॉट प्रडिक्टनी काइंड ऑफ बिहेवियर अगर हम किसी के बिहेवियर को जज नहीं कर सकते हाउ डू वी एक्सप्लेन पैटर्नस ऑफ डूइंग थिंग्स एंड हाउ टू मेक मार्क मार्कर्स मेक मनी यानी जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं फिर वो किस तरह से पैसा कमाएंगे अगर सारे लोगों को एक ही चीज़ पसंद होगी सो देयर विल बी ओनली असिमिलरिटी इन एवरी थिंग तो हमें हर जगह एक ही चीज़ नज़र आनी चाहिए जबकि ऐसा नहीं है हमें दुनिया में मुख्तफ चीज़ें नज़र आती हैं तो अगर सबका बिहेवियर एक जैसा हो जाए जै, सबकी चॉइस एक जैसी हो जाए जै, जैसा कि डिटर्मिनीम में कहा जाता है कि माहौल ही हर चीज़ को कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर्स को हमारी हर चीज़ को तो फिर मार्केट में जो बैठे हुए लोग हैं वो फिर एक ही तरह की चीज़ें बनाएंगे और फिर किस तरह से वो अपने प्रॉफिट्स को हासिल करेंगे वाट ऑफ एजुकेशन हिस्ट्री कल्चर जोग्राफी आर दे आर नॉट नरोली डिटर्मन बाई इन्वायरमेंट तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ये एक बहुत वसी सब्जेक्ट है यानी एजुकेशन एजुकेट करना लोगों को हर तरह की ट्रेडिशन सिखाना हर तरह के नॉम सिखाना तो फिर सारे लोग एक ही तरह के हो जाएं हिस्ट्री भी सबकी एक हो हिस्ट्री हम जानते हैं कि हर जगह की मुख्त है हर चीज़ की हिस्ट्री मुख्तलफ है कल्चर सबका मुख्तफ है हर हर कंट्री की हर खत्े की जोग्राफ़ी हमें चेंज नज़र आती है तो फिर अगर सारी चीज़ों में इतनी सिमिलरिटी है यानी अगर सब को माहौल ही कंट्रोल कर रहा है सो हाउ दे आर नॉट द सेम लाइक सारी दुनिया की एक ही हिस्ट्री होनी चाहिए सारी दुनिया की एक ही जोग्राफ़ी होनी चाहिए तो ये फिर हम ये नहीं कह सकते कि क्या ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट डिटर्मन नहीं करता ये यानी नज़रिया जबरीत के तहत ये इन्वायरमेंट नहीं डिटर्मन करता इन चीज़ों को तो पॉसिबिलिज्म ये कहता है कि इंसान को कंट्रोल करने में माहौल का किरदार है लेकिन इंसान उसको मॉडिफाई कर सकता है इसके बाद उन्होंने आर्ग्यू किया कि मैन इज नॉट अ टोटल स्लेव ऑफ हिज इन्वायरमेंट एज सेज इट इज फुली अ पपेट टू हिज इन्वायरमेंट यानी इंसान सिर्फ माहौल का ग़ुलाम नहीं है इस तरह तो हम ये कहेंगे कि माहौल जो हमें प्रोवाइड कर रहा है हम उसको देखते जाएं और हम उसके ग़ुलाम बन जाए ऐसा हालांकि ऐसा नहीं है जब हम देखते हैं कि जरा सा मौसम खराब होता है बारिश हो रही है और आपने कोई काम करना है तो आप डेफिनेटली कोई दरमियान का रास्ता निकालेंगे आप अपनी अम्ब्रेला लेंगे एक ईजी सी एग्जाम्पल है आप अपनी अम्ब्रेला लेंगे और अपना काम जो है वो पूरा कर लेंगे आप ये इंतजार नहीं करेंगे कि बारिश रुके या बारिश को रुकने के लिए दो दिन लगें बारिश रुके और फिर आप अपना काम करें इसी तरह से अदर रैशनल टू फॉल्सिफाइड द आइडिया ऑफ डिटर्मनिज्म इज़ द एग्रीकल्चर क्रॉप डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ़ द लैंड यूज इन यूरोप एशिया नॉर्दन अमेरिका विच इज़ प्रोडक्टिव ड्यू टू हुमन एफर्ट तो अब इसकी एक मिसाल वो इस तरह से दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर एक क्रॉप खाई जाती है तो उसको उसके लिए फिर एक ही जगह पर उसकी ख़ासियत ये क्यों है कि वो एक ही जगह पर ग्रो हो पर कैसे अमेरिका में भी वही ग्रो हो रही है आबोहवा के डिफ्रेंस ये ऐसे वहाँ पर नहीं ग्रो होनी चाहिए एशिया में भी हो रही है यूरोप में भी हो रही है ये इंसान ही है जिसने जमीन को इस काबिल बनाया है कि वो वहाँ हर जगह पर अपनी फसल को उगा सके और वो उगा रहा है इस तरह से पॉसिबिलिज्म के हम कुछ कोर जो व्यूज हैं वो देख लेते हैं अच्छा पॉसिबिलिज्म के जो हामी है या जो हैं या जिसके नजरियात रखते हैं दिस इज़ दैट इन्वयमेंट ऑफर्स न्यूमरस वेज़ फ़ॉर आ कल्चर टू डिवेलप यानी ये माहौल हमें पाबंद नहीं करता कि हम एक ही चीज़ को फॉलो करते थे बल्कि वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ या रास्ते देता है दैट वी शुड चूज़ दीज थिंग्स टू डिवेलप और कल्चर यानी हम अपने कल्चर को मजीद ते, उस में तहजीब याफ्ता कर सकते हैं अगर हम माहौल से कुछ चीज़ों को चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ पीपल मेक कल्चर ट्रेड चॉइस फ्राम द पॉसिबलिटीज़ ऑफ अबायदर इन्वायरमेंट यानी कि ऐसा या नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल डर होके बैठ जाए माहौल हमें यह कह रहा है तो हमें कुछ भी नहीं करना बल्कि माहौल हमें चॉइसिस देता है हमें अपॉरचुनिटीज देता है कि हम अपने माहौल से फ़ायदा उठा के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें हाई टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजी सोसाइटीज़ आर लेस इंफ्एंसड बाईन फिजिकल इन्वायरमेंट यानी जो दुनिया के बहुत तरक्याफ़्त मालिक हैं वो फिज़िकल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते अब इसकी मिसाल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जापान जो कंट्री है वहाँ पर हर वक्त अर्थ को आते रहते हैं अब उसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल उसको बैकवर्ड होना चाहिए था लेकिन जापान एक दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता है उसकी एग्रीकल्चर भी पुअर है लेकिन उसकी टेक्नोलॉजीज उन्होंने ऐसी अपनाई हैं कि वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होते हैं तो कोर uh, थीम अब देख लेते हैं कि पॉसिबिलिज्म का वाट इज़ कोर थीम हाउ आर फ्री टू चूज़ एंड डिसाइड देयर एक्टिविटीज़ ह्यूमन आर ह्यूमन जो हैं वो फ्री हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को आज़ादी से चुन सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं यानी वी डोंट वी डोंट आर बर्डनाइज्ड टू चूज इफ़ वी आर लिविंग इन एग्रीकल्चर एरिया दैट वी शुड डू एग्रीकल्चर यू कैन डू एनी जॉब बिसाइड्स एग्रीकल्चर यानी अगर हम जराई इलाकों में रह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमने ज़रात ही करनी है हम कोई और पेशा भी अपना सकते हैं इसके मिसाल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक ही इलाके में रहते हुए लोगों की हॉबीज डिफरेंट हो सकती हैं होना तो फिर ये चाहिए कि माहौल हम सबको एक ही हॉबी की तरफ लेके जाए तो ह्यूम आर फ्री यानी ह्यूमन फ्री हैं कि वह अपनी मर्ज़ी से अपनी एक्टिविटीज़ को चूज करते हैं नेचर डू नाट कंट्रोल ह्यूमन बींगस कुदरत इंसान को हर वक्त कंट्रोल नहीं करती नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज टू ह्यूमन। और नेचर हमें बार बार मौके और इम्कानत देती है कि हम अपने आप को उस उस चीज़ में ले जाएं और उससे फ़ायदा उठा लें अब अगर हम देखें तो ये लास्ट वेगास की पुरानी तस्वीर है काफ़ी साल पुरानी जब ये बिल्कुल ऐसी लैंड थी और आज ये एक डेवलप्ड सिटी बन चुका हुआ है ये आपको इस मैप में, में नजर आ रहा है इट इज टर्न इनटू अ वेरी मॉडर्न सिटी तो पहले ये एक पहाड़ बंजर सी जमीन थी तो पॉसिबिलिज्म की एग्जांपल लामा इकबाल ने अपने एक शेर में बड़ी खूबसूरत दी है तू शाबाफरीदी चिराग़ फ्रीडम सफल अफरीदी याग़ फ्रीडम इसमें लामा इकबाल परशन में कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह तूने रात बनाई अब रात बन, में क्या है कि रात होती है अंधेरा हो जाता है तो इंसान ने क्या बना लिया उसने चिराग बना लिया ताकि वो रात को भी थोड़ी सी रोशनी में सूरज तो नहीं बना सकता लेकिन उसने चिराग बना लिया ताकि अपने काम कर सके वो तो अब ये पॉसिबिलिटी उसने एक बनाई इसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं कि उसने देखा कि रात हो गई है अंधेरा हो गया मुझे कुछ करना है तो उसने इस पर नहीं इक्तफ़ा किया कि सुबह सूरज निकलेगा तो फिर मैं काम करूँगा उसने रात के लिए चिराग बना लिया तो और फिर सफाल अफरीदी एल्ला तूने मुठ्ठी बनाई है अयाग अफरीदा मैंने इसे प्याला बना लिया यानी ये सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं ये हमने अपने कुदरती माहौल से रॉ फॉर्म में ली एंड वी हैव मोल्ड दैम इंटू अल थिंग्स यानी हमने इनको अपने यूज़फुल चीज़ों में शामिल कर लिया तो इसमें इस इस शेयर में या इस नज़म को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान ने कुदरत से कितना फ़ायदा उठाया है उसने अपने नेचुरल माहौल से कितना फ़ायदा उठाया है या उसने हर चीज़ को अपनी शौक़ और उसके अंदर शामिल कर लिया है यानी अपने च्इस के मुताबिक उसको ढालता गया है आज हमें इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी साइंस जो तो नज़र आती है उसमें हमें यही पता चलता है कि इंसान ने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक वो पहुँच गया है और उसने अपने कुदरती माहौल से कैसे फ़ायदा उठाया है अब इसकी एग्जाम्पल जो क्रक्स एम्पोसिबल का लेते हैं वो यही है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई गॉड मेड अर्थ एंड मैन मेड वर्ल्ड और इंसान ने इसके ऊपर दुनिया बसा ली यानी अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ़ ज़मीन दी थी और हम इस ज़मीन पर रदिम दुनिया के पहले इंसान थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने आकर जब यहाँ पर उनकी आलोलाद हुई उन्होंने यहाँ पर मुख्त पेशे अपनाए चीज़ों से फ़ायदा उठाया तो उन्होंने यहाँ पर दुनिया बसाई तो गॉड मेड अर्थ एंड मैन मेड दर्थ तो सो दीज वर्ड दी पॉइंट्स ऑफ द पॉसिबलिज़म एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द्रिटिसिज्म एंड द कोश्चन्स ऑफ द पॉसिबलिज़म तो तब तक आप लोग बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनीज़म को आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ये उसकी बिल्कुल अपोज़िट है फिर आपको दोनों को जब साइड बाई साइड करेंगे तो फिर आपको करने में भी अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा तो अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़